यदि हम कल्पना करें कि हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उसके समानांतर कोई दूसरा ब्रह्मांड हो जिसमें हमारे ब्रह्मांड के विपरीत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हों। इस समानांतर ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी, सौर मंडल, गैलेक्सी या हमारे जैसी हर चीज का प्रतिरूप या क्लोन हो जो कि हमारे ब्रह्मांड के बिल्कुल विपरीत गुणधर्म या प्रॉपर्टीज रखती हो। क्या समानांतर ब्रह्मांड अस्तित्व है? यदि है तो ये कहां और कैसे होंगे? आखिर समानांतर ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिकों द्वारा क्या क्या खोजें हो चुकी हैं? क्या हमारे भौतिक नियम इस ब्रह्मांड पर लागू होंगे या नहीं? इससे संबंधित सिद्धांतों की पुष्टि कहां तक हो चुकी है, इस वीडियो में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे वैज्ञानिक अभी तक ब्रह्मांड की विचित्रताओं में उलझे हुए हैं। ब्रह्मांड सचमुच किसी रहस्यमय अबूझ पहेली से कम नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड को समझने का प्रयास लगातार जारी है। खगोलविदों द्वारा कई क्रांतिकारी धारणाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं कि इस विराट शून्य में हम अकेले नहीं हैं। इस सृष्टि में मात्र एक ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड जैसे अनेकों ब्रह्मांडों का अस्तित्व संभव है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा ब्रह्मांड निकाय ही अपने आप में एक अनंत रहस्यों का पिटारा है, तब दूसरे ब्रह्मांड की बात सचमुच ही बड़ी रोचक एक अनसुलझी पहेली होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ज्ञात ब्रह्मांड पूर्णतः द्रव्य से निर्मित है और ये द्रव्य या मैटर परमाणु अथवा अणुओं से मिलकर बना है। फिर से परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो जैसे मूल कणों से मिलकर बने हैं, जिनके बारे में हमने अपनी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान विस्तार में पढ़ा ही होगा। तो रोचक बात यह है कि वैज्ञानिकों ने अब तक परमाणु में नाभिक के भीतर लगभग 200 कणों का पता लगा लिया है। इनमें से कुछ मूल कणों के प्रतिकण या एंटी पार्टिकल्स हैं। जैसे मूलकण इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण या एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने के साथ साथ इसके सारे गुण या प्रॉपर्टीज पॉजिट्रॉन के विपरीत होते हैं, इस प्रकार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से बने द्रव्य मैटर से हमारे ब्रह्मांड का बनना संभव है, तो ठीक उसी तरह पूर्णतः प्रतिकणों या एंटी पार्टिकल से निर्मित प्रतिद्रव्य से निर्मित प्रति ब्रह्मांड या समानांतर ब्रह्मांड का अस्तित्व भी संभव हो सकता है। प्रायोगिक तौर पर एंटी मैटर या प्रतिद्रव्य की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रायोगिक मशीन लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की मदद से प्रतिकण उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। धरती पर एंटी मैटर उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रयोगशालाओं में इसे बहुत थोड़ी मात्रा में बनाया जा चुका है। प्राकृतिक रूप से एंटी मैटर पृथ्वी पर अंतरिक्ष तरंगों से आता रहता है, लेकिन यह अत्यधिक अनस्टेबल पदार्थ होता है जिस वजह से यह तुरंत गायब भी हो जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि एंटी मैटर ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसे अत्याधुनिक दूरबीनों की मदद से देखा जा सकता है। नासा के मुताबिक एंटी मैटर धरती का सबसे महंगा पदार्थ है। अगर बात करें एंटी मैटर को बनाने की, तो 1 मिलीग्राम एंटी मैटर को बनाने में लगभग 250 लाख डॉलर लग जाते हैं। इस प्रकार 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत लगभग 3,125 खरब रुपए तक हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि एंटी मैटर का उपयोग करके आने वाले समय में दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए अंतरिक्ष यानों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। एंटी मैटर पर किए गए शोधों और उसके बिहेवियर से यह तो पता हो गया है कि समानांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि यह दूसरा ब्रह्मांड सचमुच कहाँ होगा? क्या यह ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड की सीमा के पार है? वैज्ञानिकों का इसको लेकर ख्याल है कि यह दूसरा ब्रह्मांड अपने गोचर ब्रह्मांड की सीमाओं के परे नहीं बल्कि इसी के अंदर मौजूद होगा। अरे ये मैंने क्या कह दिया? तो दोस्तों यह मैं नहीं कह रहा, यह वैज्ञानिकों के ठोस तथ्य और प्रयोगों से निकाले गए निष्कर्ष कह रहे हैं। खगोलविदों का कहना है कि जिस तरह परमाणु नाभिक के भीतर मूल कणों साथ साथ उनके प्रतिकण मौजूद हैं, ठीक उसी तरह द्रव्य या मैटर के भीतर एंटी मैटर या प्रतिद्रव्य भी उपस्थित होता है।
अतः ब्रह्मांड के भीतर प्रति ब्रह्मांड की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है यह सारी चीजें हमारे आसपास ही हों, लेकिन अभी तक हमारे पास इतनी विकसित विज्ञान और तकनीकी नहीं है कि हम दूसरे ब्रह्मांड को देख सकें या उसकी वास्तविकता की पुष्टि कर सकें। हमारी आकाशगंगा ममता किनी से करोड़ों या अरबों प्रकाश वर्ष दूर हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल अलग किस्म का है। यहाँ हमारे भौतिक नियम आश्चर्यजनक ढंग से निष्क्रिय हो जाते हैं। विज्ञान की भाषा में जिन्हें हम यहाँ सार्वभौमिक अचर या यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, वे नियम हमारी धरती से 12 या 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर कांस्टेंट नहीं रहते। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे भौतिकी के नियम अनुसार प्रकाश की स्पीड लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, जो की एक अचर या कॉन्स्टेंट वैल्यू है। किंतु ब्रह्मांड के सुंदरतम जगहों पर प्रकाश की गति कांस्टेंट नहीं रहती और तरंग यांत्रिकी के नियम के ठीक विपरीत प्रकाश की गति से भी ज्यादा वेग संभव है। सैद्धांतिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हो गई है। भारत के ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक व सिसिली के पैरासेल्सस विश्वविद्यालय के अध्यापक प्रोफेसर सुदर्शन ने परमाणु के नाभिक के भीतर एक्यान नामक ऐसे कणों की खोज कर ली है जिनका वेग तरंग यांत्रिकी के नियमों के विपरीत प्रकाश के वेग से भी ज्यादा है। चूंकि हमारे यहाँ समय एक अचर या कॉन्स्टेंट वैल्यू है, लेकिन हमारी आकाशगंगा के सबसे समीप एंड्रोमेडा आकाशगंगा में कुछ ऐसी जगहें ज्ञात हैं जहां समय भी कांस्टेंट या अचर नहीं रहता। इन जगहों को विज्ञान की भाषा में न्यूरोस्पेस कहा जाता है। प्रयोगों से सिद्ध किया जा चुका है कि गति भी समय को प्रभावित करती है। अतः कोई भी वस्तु जितनी अधिक वेग से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीरे गुजरेगा। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। चूंकि ISS या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी धरती के 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परिक्रमा करती है, एक घड़ी को एक्यूरेट टाइम फिक्स करके धरती पर रखा और उसी प्रकार की दूसरी घड़ी को ISS में फिट किया। कुछ समय बाद अवलोकन करने के बाद पता चला कि ISS में रखी घड़ी का कुछ माइक्रोसेकंड समय धरती पर रखी घड़ी की तुलना में कम हो गया। इस प्रयोग से पता चला कि वाकई में किसी भी चीज का वेग उसके समय को प्रभावित करता है। लगभग अरबों प्रकाश वर्ष या इससे भी अधिक दूरी पर इस तरह के वैज्ञानिक अपवाद भी हैं, लेकिन प्रति ब्रह्मांड या दूसरे ब्रह्मांड के अस्तित्व की संभावना तब और अधिक हो गई जब अत्याधुनिक रेडियो दूरदर्शी के माध्यम से सुदूर अंतरिक्ष में झांकना संभव हो गया। दूसरे ब्रह्मांड के ज्वलंत प्रमाण भी मिल रहे हैं। एक रहस्यमय खगोल आकृति जिसकी व्याख्या हमारे ब्रह्मांड के भौतिक नियमों से नहीं की जा सकती। लाखों प्रकाश वर्ष में फैली इस विशालकाय आकृति का नाम US-235 है। अतः यह खगोल आकृति दूसरे ब्रह्मांड का जीवंत प्रमाण है। यह जानना सचमुच रोचक होगा कि दूसरा ब्रह्मांड हमारी कल्पनाओं से परे बिल्कुल विपरीत और नितांत अलग किस्म का होगा, क्योंकि इस पर हमारे ब्रह्मांड के भौतिक नियम लागू नहीं होंगे। यह संभव है कि इस दूसरे ब्रह्मांड में हमारी तरह कोई बुद्धिमानी सभ्यता हो या हमारी धरती अथवा आकाशगंगा के प्रतिरूप या क्लोन भी एग्जिस्ट करते हों। धरती के वैज्ञानिक परमाणु से अनंत ब्रह्मांड की पहेली सुलझाने में जुटे हुए हैं। द्रव्य और गति के बिहेवियर को समझने का प्रयास भी जारी है। अतः आश्चर्य नहीं होगा कि वैज्ञानिक एक दिन परमाणु के सहारे ही दूसरे ब्रह्मांड की पहेली भी सुलझा लेंगे। तो दोस्तों, दूसरे ब्रह्मांड को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर से एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।